तो दोस्तों कल है इंडिपेंडेंस डे और यहाँ आप देख सकते हो मेरी बेटी बिजी है, इंडिपेंडेंस डे की तैयारी कर रही, वो फ्लैग बनाने में बिजी है। उसको ना कोई भी फेस्टिवल आता है तो इन सब चीज़ों को करने में बहुत ही अच्छा लगता है, आर्ट एंड क्राफ्ट। वो ये सब चीज़ें बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करती है। ये देखो मैंने बनाया, मैं अभी मार्केट जाऊंगी, बैग बहुत सारे सामान खरीदूंगी इंडिपेंडेंस डे के लिए। तो यहाँ हम आ चुके हैं मार्केट इंडिपेंडेंस डे की शॉपिंग करने के लिए। मेरी बेटी को कुछ लेना था, फ्लैग्स वगैरह बैचेस वगैरह लेने थे। और मार्केट में आप देख सकते हैं कोविड होते हुए भी कितनी रौनक है, बहुत सारे फ्लैग्स बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। तो बस हम भी आए हैं इस मार्केट में कुछ लेने के लिए, तो देखते हैं क्या क्या लेती है ये। दुगु मास्क ठीक से लगाओ। दीदी के लिए छोड़ो बेटा, तुम लो फटाफट। अब दीदी अभी नहीं लेना, बाद में ले लूंगा। एक्चुअली क्या है, राखी भी है, रक्षाबंधन है, 15 अगस्त दोनों था, इसलिए और भी मार्केट में काफी रौनक थी, राखियां भी काफी लगी थी। मेरी बेटी जिद भी कर रही थी राखी लेने के लिए। क्या बोल रहे हो? ये देखो मेरा दीदी का पर दीदी के लिए सिर्फ एक बैग है। हाँ। पापा तो मेरे बटरफ्लाई शेप का है। और दीदी का वो होता है ऐसे स्क्वायर शेप का, रेक्टेंगल शेप का। दीदी का इंडिया बना है, इसमें दोनों में इंडिया बना है। और मेरे लिए क्या और एक ब्रेसलेट भी है, मैंने फ्लैग अपने घर में बनाया था। घर चलो मैं आपको फ्लैग दिखाऊंगी। मैं क्या क्या लेके आई हूँ, मैं सब पहनूंगी। मम्मा बैच बना दो। ये देखो मेरा प्यारा बैच, ये बटरफ्लाई है, मुझे बटरफ्लाई पसंद है इसलिए मैंने बटरफ्लाई बैच खरीदा। कैसा है? बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। आपने मेरी पेंटिंग देखी? मैं आपको चलो दोनों दिखाती हूँ। ये देखो मेरी फर्स्ट पेंटिंग कैसी है। ये देखो मेरी दूसरी पेंटिंग, ये भी मुझे बहुत पसंद आती है। मैंने दोनों अपने इंडिपेंडेंस डे के लिए बनाया था। ना आई एम रेडी, ये फ्लैग मैंने बनाया। तो मैं आ चुकी हूँ अपनी सोसाइटी के गार्डन में, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए हैं फ्लैग होस्टिंग के लिए। एक्चुअली मैं क्या है, थोड़ी देर हो गई थी मुझे आने में, इसलिए फ्लैग होस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। पर मैंने देखा बच्चों ने बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किया, डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग पे और कुछ भी और भी बहुत सारी चीज़ें की बच्चों ने। एक्चुअली क्या होता था कि हर साल बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट होती थी, डेकोरेशन होती थी, पर अभी इधर कोविड की वजह से ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई। पर फिर भी काफ़ी समय बाद हमारी गैदरिंग हुई सब लोगों की, तो सबने काफ़ी इंजॉय किया। और सबसे बड़ी बात, हमारी सोसाइटी की एक बच्ची है जिसने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया था, उसने इतनी अच्छी रैंकिंग लाई है ना, लगभग 99.98% लाया है उसने। ये आप सोच सकते हैं कितने बड़े गर्व की बात होती है एक पेरेंट्स के लिए भी कि उनका बच्चा कुछ अच्छा कर रहा हो। तो आप देख सकते हैं इस बच्ची को सब लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इससे उस बच्ची को भी अच्छा लगता होगा और पेरेंट्स को भी अच्छा लगता होगा। तो बस इसीलिए सभी लोग बहुत खुश है कि सोसाइटी के बच्चे इतना आगे बढ़ रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं। एनीवेज बट इंडिपेंडेंस डे भी अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, सबने अच्छे से इंजॉय भी किया। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत स्नैक्स का भी अरेंजमेंट था, तो बस अब स्नैक्स का भी हम मजा ले।
जोर से बोलो, जोर से बोल दो, क्या हो गया बोलो, प्लांट के साथ बोलो, चलो बोलो बोलो, क्यों नाराज है? तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन में लंच की तैयारी के लिए। एक्चुअली नीचे स्नैक्स वगैरह का अरेंजमेंट था, तो ब्रेकफास्ट मैंने बनाया नहीं, और मैं लंच बना रही हूँ। लंच में मैं पालक पनीर बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, और पालक पनीर में जब तक मक्खन अच्छे से ना डालो ना, तब तक पालक पनीर का मज़ा ही नहीं आता। और आपको तो पता ही है मेरे बच्चों को पनीर कितनी पसंद आती है। मैं घर में पनीर की कोई भी डिशेज बना लूँ, बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। तो बस फटाफट मैं लंच बना लेती हूँ, उसके बाद हम सभी लंच कर लेंगे, और शाम को मुझे कहीं और भी जाना है, तो बस उसकी भी तैयारी करनी है। और पालक पनीर में गरम मसाले से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, या फिर पालक पनीर मसाला डालो, इन दोनों में से ना एक चीज़ आप ज़रूर डाला करो, पालक पनीर में बहुत ही अच्छी बनती है। तो बस सब्जी मेरी बन चुकी है, अब मैं जा रही हूँ फटाफट रोटियाँ भी बना लूँगी, और थोड़ी सी ब्राउन राइस बना रही हूँ मैं खुद के लिए, क्योंकि मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि राइस में ब्राउन राइस ही खाया करूँ। हाँ बन गया, ले लो। खाने में क्या बनाया? तो सबका लंच हो चुका था, एक मैंने ही लंच नहीं किया था, तो मैं भी जा रही हूँ फटाफट लंच कर लेती हूँ, उसके बाद फिर किचन वगैरह समेट के फिर बस जहाँ जाना है मैं वहाँ की तैयारी करूँगी, और उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, और उसका एक अलग ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज इंडिपेंडेंस डे भी हमने सेलिब्रेट कर लिया, लंच भी लगभग हमारा सबका हो चुका है। तो सबको पता है कि इंडिपेंडेंस डे में बस सुबह ही हम सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद सारा दिन तो कुछ रहता नहीं। हाँ शाम में क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पतंग उड़ाते हैं, तो हम लोग तो ऐसा कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि आज मुझे जहाँ पे मैं पहले रहती थी वहाँ पे जाना है, पुरानी सोसाइटी में, वहाँ पे कुछ फंक्शन है, उसकी भी वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ अपलोड करूँ। तो बस आज की ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, और मिलूँगी आपके साथ एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय 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 बाय।